वंदे मातरम साथियों, मैं मनीष गुप्ता अंग्रेजी सिख एयरफोन ईडीएम के साथ 258वें अंक की कर रहा हूं शुरुआत। आज मैं जिन तीन ईडीएम से चर्चा करूंगा वो इस प्रकार हैं। नंबर वन, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। नंबर टू, यस्टरडेज मैन। नंबर थ्री, यस्टरडेज वुमन। दोस्तों पहले फ्रेज की चर्चा कर लेते हैं, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। इस पे नोट कर देता हूं, वाई ओ यू यू सी ए एन एपोस्ट्रोफी टी कांट एच ए वी ई हैव वाई ओ यू आर योर सी ए के ई केक ए एन डी एंड ई ए टी ईट आई टी ईट टी डबल ओ टू। दोस्तों यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू या फिर हैव वंस केक एंड ईट इट टू टी डबल ओ टू मुहावरे का अर्थ होता है कि हम एक साथ एक ही समय में दो ऐसी चीजें अपने पास चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर दो ऐसे कार्य करना चाहते हैं जिन्हें कि एक साथ करना संभव नहीं है, जिनका कि आपस में कोई मेल नहीं है, जो कि आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। दोस्तों एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा, पहले अंग्रेजी में एग्जाम्पल दूंगा फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। एग्जाम्पल नंबर वन, आई वॉन्ट टू लूज माई वेट बट आई डोंट वॉन्ट टू ईट लेस। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। मैं अपना वजन कम करना चाहता हूं लेकिन मैं कम खाना नहीं चाहता हूं, यह संभव नहीं है। आप एक ही साथ एक ही समय में यह दोनों चीजें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नंबर टू, आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी बट आई वॉन्ट टू पास द एग्जाम। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहता हूं, यह संभव नहीं है। आप एक ही साथ यह दोनों कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो परीक्षा में उत्तीर्ण भी नहीं होंगे। नंबर थ्री, यू डोंट वॉन्ट टू पे टैक्स बट यू वॉन्ट ऑल काइंड ऑफ बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। आप कर देना नहीं चाहते हैं लेकिन आप सरकार से सभी प्रकार के लाभ चाहते हैं, यह संभव नहीं है। आप एक ही साथ एक ही समय में यह दोनों चीजें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अब दूसरे और तीसरे फ्रेज की चर्चा एक साथ कर लेते हैं, यस्टरडेज मैन और यस्टरडेज वुमन। यस्टरडेज मैन स्पेल आउट कर देता हूं, वाई ई एच टी ई आर डी ए वाई एपोस्ट्रोफी एस यस्टरडेज एम ई एन मैन यस्टरडेज मैन। और यस्टरडेज वुमन डब्ल्यू ओ एम ए एन वुमन। दोस्तों यस्टरडेज मैन एवं यस्टरडेज वुमन मुहावरे का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति विशेष रूप से राजनेता सेलिब्रिटी इत्यादि जिनका की कैरियर समाप्त हो चुका है या फिर ढलान पर है, जिन्होंने अपने कैरियर का सबसे अच्छा समय देख लिया है। दोस्तों एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा, पहले अंग्रेजी में एग्जाम्पल दूंगा फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। एग्जाम्पल नंबर वन, ही इज रिटायरिंग नेक्स्ट मंथ एंड वेरी सुन ही विल बी ए यस्टरडेज मैन। वो अगले महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं और बहुत जल्दी उनका कैरियर समाप्त हो जाएगा। नंबर टू, ही वॉज ए वेरी सक्सेसफुल एंड पावरफुल पॉलिटिशियन बट ड्यू टू करप्शन चार्जेज ही हैज बिकम ए यस्टरडेज मैन। वो बहुत ही सफल एवं शक्तिशाली राजनेता थे लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया है। नंबर थ्री, सी वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड बॉलीवुड हीरोइन बट ड्यू टू सीरियस इलनेस नाउ सी इज ए यस्टरडेज वुमन। वो बॉलीवुड की बहुत ही सुंदर एवं प्रतिभावान हीरोइन थी लेकिन गंभीर बीमारी के कारण उनका फिल्मी जीवन समाप्त हो गया है, उन्होंने अपने फिल्मी जीवन का सबसे अच्छा समय देख लिया है। नंबर फोर, इफ यू डोंट वॉन्ट टू बी यस्टरडेज वुमन देन कीप लर्निंग एंड इम्प्रूविंग योर सेल्फ। यदि आप समय के साथ चलना चाहती हैं, पिछड़ना नहीं चाहती हैं, तो आप लगातार सीखती रहिए और स्वयं को सुधारती रहिए। दोस्तों आपको आज का अंक कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया वैसे दीजिएगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। अंत में यही कहूंगा, अंग्रेजी यानी कोई भी भाषा सीखे सीखनी चाहिए, लेकिन यदि नहीं सीख पाते हैं तो कोई शर्म रजा की बात नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा राजभाषा हिंदी सभी को वैसे सीखनी चाहिए क्योंकि स्वर्गीय भारतेंदु हरिचंद जी ने अपने अमर पंक्ति में कहा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हे कुशूल। दोस्तों अगले अंक की प्रतीक्षा कीजिए, अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद, भारत माता की जय।